हाय गाइस, दिस इज सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद अपने चैनल पर एक वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए बहुत सॉरी, बट आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एवरी वीक मैं वीडियो डालूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बालकनी टूर है। तो मैंने रिसेंटली जो मेरा मेन लिविंग रूम का बालकनी है उसको थोड़ा मेकओवर कराया है, तो मैंने सोचा मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हो, ये है मेरा मेन बालकनी और यहाँ पर है मेरा सिटिंग एरिया। ये जो चारपाई देख रहे हो, ये मैंने यहाँ का बेंगलुरु में एक लोकल स्टोर है वहाँ से ख़रीदा था। ये बेसिकली आपको कोई भी केन शॉप में मिल जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसका बहुत सारे पिक्स शेयर किए हैं, तो उस पर भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने इसको कहाँ से लिया है। तो ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर से लिया था, जो केन के जो फर्नीचर्स बेचते हैं उन लोगों से लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ वॉल स्टिकर्स भी लगाया है, और ये जो वॉल स्टिकर्स हैं मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। और यहाँ पर थोड़े प्लांट्स हैं साइड में, तो बैम्बू के प्लांट है, कुछ जीजी प्लांट है, यहाँ पे कुछ मनी प्लांट्स लगाए हैं। तो ये मेरा एक वॉल है बालकनी का, जहाँ पर मैंने स्टिकर्स लगा के डेकोरेट किया है। तो आप बेसिकली कुछ भी स्टिकर्स या वॉल आर्ट, इन चीज़ों से आप अपना बालकनी डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो वॉल स्टिकर्स है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारे वैरायटीज़ और बहुत सारे अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ कुशंस भी लगाया है, और यहाँ पर हम बैठ के चाय पीते हैं यूजुअली, और मेरी बेटी यहाँ पर बैठ के अपना स्कूल का स्टडीज़ करती है, समटाइम्स ऑनलाइन स्टडीज़ भी यहाँ से हो जाता है। स्पेशली ये जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है उस पर यहाँ पर बैठ के थोड़ा आउटसाइड क्लाइमेट को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक मैंने बुद्धा का भी एक छोटा सा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो आप कोई भी घर के कॉर्नर में या किसी भी बालकनी के कॉर्नर में एक छोटा सा बुद्धा रख दीजिए। और एक बाउल में मैंने यहाँ पे थोड़े फ्लावर्स डाल दिए हैं, आप किसी भी बाउल को उर्ली की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया है बुद्धा के साथ, कुछ पेबल्स थे मेरे पास उसके साथ, तो ये मैंने एक छोटा सा सेटअप किया है। और यहाँ पर एक रग भी बिछा दिया है, तो इससे थोड़ा एक अच्छा प्लेजेंट लुक आता है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग प्लांटर है, उस पर मैंने सारे अपने जो बालकनी में यूज होने वाले जो टूल्स है उसको रख दिया है। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पास जगह कम होगी तो आप इस तरह से कर सकते हो। और ऊपर में भी कुछ प्लांटर्स है, ग्रिल के ऊपर में भी कुछ प्लांटर्स है। और ये मेरा रग है, ये रग मैंने बिग बाज़ार से लिया था, इसका अगर लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये है मेरा बालकनी का एक साइड का एक छोटा सा सिटिंग एरिया। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे हाइबिस्कस के प्लांट्स हैं, और ये वाइट सदाबहार का प्लांट है। सदाबहार समर में बहुत अच्छे से होता है, फिलहाल अभी तो मानसून शुरू हो गया है, बट समर में इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाइट सदाबहार का फ्लावर है, और लिलीज़ है, वाटर लिलीज़ है, वाटर लिलीज़ भी समर में बहुत अच्छा खिलता है, तो समर प्लांट है बेसिकली। तो आप देख सकते हो वहाँ पर पिंक कलर के वाटर लिलीज़ के बड्स आए हुए हैं, और यहाँ पर वाइट कलर का वाटर लिली है। तो मैंने जैसे बताया समर्स के लिए बेस्ट प्लांट है वाटर लिली, सदाबहार, इवन हाइबिस्कस भी। आज कोई फ्लावर नहीं हुआ है, एक पिंक है बगल में जो है वो वाइट कलर का हाइबिस्कस है। ये है वाइट कलर का वाटर लिली। और ये है चंपा प्लांट, इसमें अभी तक तो कोई फ्लावर्स नहीं हुआ है, बट ये भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। इसको बस थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है और थोड़ा सनलाइट की ज़रूरत है, ये बहुत दिन तक अच्छे से चलता है। इसको इसमें कोई स्पेशल केयर नहीं लगता है। और यहाँ पर है स्पाइडर प्लांट, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी बुद्धा रख दिया है, एक उर्ली है उस उर्ली में मैंने फ्लावर्स रख दिया है।
और यहाँ पर बोगनविला का प्लांट है और यहाँ पर भी एक बुद्धा है। मुझे बुद्धा बहुत अच्छा लगता है तो मैं घर के बहुत सारे कॉर्नर्स में बुद्धा रख के डेकोरेट करती हूँ। एक पीस ऑफ माइंड मिलता है उससे। आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो, एक छोटा सा जेन वाइब क्रिएट कर सकते हो घर के किसी भी कॉर्नर को। और यहाँ पर मैंने थोड़े कैक्टस लगा दिए हैं। तो ये है मेरा ऑपोजिट वाला कॉर्नर बालकनी का, सिटिंग एरिया से जो मेरा व्यू है वो एरिया है ये। ये बुद्धा को मैंने एक स्टूल के ऊपर रखा है। ये बुद्धा भी मैंने लोकल वेंडर से लिया था, स्ट्रीट वेंडर से लिया है। ये उल्ली भी मैंने स्ट्रीट वेंडर से लिया है। तो आप इस तरह की चीज़ें लोकल मार्केट से ले सकते हो, क्योंकि इस समय उन लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है, तो हमें लोकल मार्केट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और ये है फिकस प्लांट, जो बड़ा वाला प्लांट है वो फिकस प्लांट है। और यहाँ पर कुछ मैंने हैंगिंग डॉल्स लगाए हैं, ये भी मैंने स्ट्रीट मार्केट से ही लिया था। और यहाँ पर हैंगिंग प्लांटर भी है, आप देख सकते हो। कुछ मनी प्लांट है, कुछ हैंगिंग प्लांटर्स है। ये हैंगिंग प्लांटर्स भी मैंने अमेजोन से ही लिया है। इसका लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे मेरा हाइबिस्कस का फ्लावर है, पिंक कलर का हाइबिस्कस का फ्लावर है। हाइबिस्कस भी समर में बहुत अच्छे खिलते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी हैंगिंग प्लांटर्स है। ये सारे हैंगिंग प्लांटर्स भी मैंने अमेजोन से लिया है। इसका लिंक ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। तो ये है मेरा एक छोटा सा जेन कॉर्नर, जिसको मैंने बहुत ही मन से डेकोरेट किया है। आप पेबल्स से या कोई भी उर्ली से, उर्ली में थोड़ा सा फ्लावर्स डाल दो, पेबल्स लगा दो। यहाँ पर मेरा तुलसी का कॉर्नर है। तो ये जो राधा कृष्णा का जो मूर्ति है वो भी मैंने स्ट्रीट मार्केट से लिया है। और यहाँ पे मेरा तुलसी का प्लांट है और बगल में दिया भी है, जो मैं शाम को दिया करती हूँ तुलसी माता की। और ये मेरे हैंगिंग प्लांटर्स है, तो आप हैंगिंग प्लांटर्स से भी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है लगाने के लिए प्लांटर्स, तो आप हैंगिंग प्लांटर्स लेके अपने बालकनी को डेकोरेट कर सकते हो। तो ये है मेरा पूरा ओवरव्यू बालकनी का।
दैट्स इट गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा बालकनी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।